वेलकम गाइस, जज्बा बॉलीवुड न्यूज में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। चलिए जानते हैं बॉलीवुड की टॉप 10 खबरें। गायिका सुचित्रा ने तमिल मीडिया कुतुम को दिए फिल्म डायरेक्टर करण जौहर और सुपरस्टार शाहरुख खान के बारे में कुछ चौंकाने वाले खुलासे। सुचित्रा ने दावा किया है कि उनके बीच गे रिलेशन बने हैं। सुचित्रा ने यह भी दावा किया है कि उनके एक्स हस्बैंड कार्तिक कुमार गे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लंदन में करण और शाहरुख के साथ उनका गे अनकाउंटर हुआ था। गायिका ने यह भी बताया कि बी टाउन के कुछ कलाकार अक्सर उन देशों का दौरा करते हैं जहां होमसेक्सुअल रिलेशन बनाना लीगल होता है। भारत में चुनावी मौसम पूरे जोरों पे है। मशहूर हस्तियां लोगों को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आगे आ रही हैं। ऐसे में सलमान खान ने 20 मई को महाराष्ट्र के मतदान को लेकर एक ट्वीट किया है और अपने फैंस से वोट डालने की अपील की है। उन्होंने अपने ट्वीट के कैप्शन में लिखा, चाहे कुछ भी हो, मैं साल में 365 दिन एक्सरसाइज करता हूं और अब मैं 20 मई को अपने वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। चाहे कुछ भी हो, तो जो करना है तो करो यारो, लेकिन जाओ और वोट करो और अपनी भारत माता को परेशान मत करो। भारत माता की जय। कैटरीना कैफ का एक रोमांटिक पोस्ट वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में अपने पति विक्की कौशल पर प्यार बरसाती दिख रही हैं। ये पोस्ट उनके जन्मदिन का है। विक्की कौशल ने अपना जन्मदिन मनाया और इस दौरान कैटरीना कैफ ने उनकी कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हुए हार्ट का इमोजी साझा किया। जैसे ही उनका पोस्ट सामने आया, फैंस लगातार तारीफ करते हुए और उनको जन्मदिन की बधाई देते नजर आ रहे हैं। सोनी टीवी पर सबसे पसंद किया जाने वाला डांस रियलिटी शो इंडिया बेस्ट डांसर अपने चौथे सीजन के साथ वापसी के लिए पूरी तरह तैयार है। 18 मई को भारत की राजधानी दिल्ली में इंडिया बेस्ट डांसर की खोज शुरू होगी। 18 मई 2024 को सेंट्रल एकेडमी इंटरनेशनल स्कूल मेट्रो लाइन के सामने सेक्टर 10 द्वारका नई दिल्ली 110075 में ऑडिशन दे सकते हैं। इंडिया बेस्ट डांसर 4 जल्द ही सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर लॉन्च होगा। अटल सेतु पर रश्मिका मंदाना के वीडियो से राजनीति गर्मा गई और तमाम लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। एक्ट्रेस के वीडियो ने उनके राजनीतिक झुकाव को जाहिर किया है, जिससे कई लोग बौखला गए और उन्हें सोशल मीडिया पर खरी खोटी सुना रहे हैं। वीडियो के चलते तमाम लोग रश्मिका से नाराज हैं और उनकी खूब आलोचना कर रहे हैं। रश्मिका को एक यूजर ने लिखा, नेशनल प्रेस राष्ट्रवादी है। एक ने कहा कि विकास पर वोट दो, लेकिन चमचे ट्रिगर हो रहे हैं। काजोल ने सेल्फी से पहले की दुनिया की एक तस्वीर शेयर और अपनी जवानी के दिनों को याद किया। तस्वीर में कैमरे की ओर ना देखकर कहीं और वह देख रही हैं। काजोल ने खुद को टाइम ट्रैवल के रूप में टैग करते हुए लिखा, सेल्फी से पहले की दुनिया। राखी सावंत का हॉस्पिटल से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अस्पताल के बेड पर लेटी हुई नजर आ रही हैं। हाथ में फोन है और सेल्फी वीडियो से वह अपना वीडियो बना रही हैं। राखी कह रही हैं, हेलो मेरे दोस्तों, मिस कर रही हूँ, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, घूमना फिरना चाहती हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, सुबह मेरी सर्जरी है, बहुत मिस कर रही हूँ मैं आप सभी को। ये कैसी ड्रेस पहन रखी है मैंने, मुझे इतने बुरे कपड़े पहनने की आदत नहीं है यार, आप समझ रहे हैं ना, अच्छा नहीं लगता, ये हॉस्पिटल का ड्रेस है, मुझे जल्दी ठीक होकर आना है, बहुत सारी मस्ती करनी है। मलाइका अरोड़ा को उनकी योगा क्लास के बाद स्पॉट किया गया। मलाइका अपने जबरदस्त फिटनेस और स्टाइल के लिए जानी जाती हैं और इस बार भी उन्होंने अपने लुक से सभी को इम्प्रेस कर दिया। मलाइका अरोड़ा की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। फैंस और फॉलोअर्स उनके फिटनेस रूटीन और स्टाइल को लेकर हमेशा की तरह इस बार भी एक्साइटेड नजर आए। आजकल वायरल होने का बुखार कुछ लोगों के सर पर ऐसा सवार हो रहा है कि वह इसके लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार है। सोशल मीडिया पर हर रोज तरह तरह के वीडियोस वायरल होते रहते हैं, जिसमें लोग अजीब अजीब हरकतें करते नजर आते हैं। इंस्टाग्राम पर इन दिनों गुवाहाटी की मंजुलिका का एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर कई लोग हैरान हैं। यहां एक लड़की एकदम मंजुलिका के गेटअप में तैयार हुई और आमी जे तमार गाने पर ऐसा डांस किया, जिसे देखकर लोगों को विद्या बालन की याद आ गई। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रोशन सिंह सोढ़ी की भूमिका निभाने वाले अभिनेता गुरचरण सिंह 22 अप्रैल से लापता होने के बाद 17 मई को घर लौट आए। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि वह धार्मिक यात्रा पे गए हुए थे।